देखिए देखिए, तो वाह इन्हें मारना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक। तो अभी हम लोग नारायण में ही हैं और इधर से निकलने लगे हैं वर्ड्स से कर दूँ लेट से कि रास्ते में क्या मौसम होता है और किस तरह के लैंडस्केप्स आते हैं। बाबूसर टॉप तक ठीक है रास्ता, बीच में एक दो जगह पे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पे हमें रुकना पड़ता है, ज़रा स्लो होना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वो ऊपर से तेज़ किस्म का आता है और सड़क भी टूटी हुई नीचे से। थोड़ा सा स्टे करेंगे रास्ते में एक दो जगह पे और निकलना बस कर दूँ है। सफ़र लंबा है, 10 घंटे का सफ़र है। रोड कंडीशन अभी पता नहीं है क्योंकि उस रूट पे पहले गए नहीं है। 3 माउंटेन्स का जंक्शन पॉइंट है, वहाँ तक तो गए हैं क्योंकि हुंजा गया था लास्ट टाइम, लेकिन अब ये नहीं पता कि सकरदू वाली रोड का क्या कंडीशन है। फिलहाल तो नाश्ता लेने जा रहे हैं, कोशिश तो यही थी कि 9 बजे निकल जाएं। अभी देखते हैं 9:30 तक निकलते हैं इंशाल्लाह। ये कंडीशन है जी नारायण की आज की, बड़ी सख्त किस्म की धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम ठीक है, अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है। रात को थोड़ी सी हल्की सी ठंड हो जाती है, हल्का सा आप अपर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे निकलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि उधर का क्या मौसम होता है। बाबू सर टॉप पर थोड़ी सी ठंड मिलेगी। ये है जी रिवर राफ्टिंग पॉइंट, जहाँ पे आप कश्ती रनिंग कर सकते हैं। ये कोई 1.5-2 किलोमीटर की जो है ना वो राफ्टिंग करवाते हैं आपको इधर। नहीं कश्ती पता नहीं कितना लिया वो जीपां च। लो जी माशाल्लाह पीटीआई का झंडा भी लहरा रहा है। ये है जी सिप लाइन यहाँ पे और ये इधर ग्लेशियर सा है बर्फ। बाबूसर को जाते हुए रास्ते में आपको इस तरह के छोटे छोटे वाटरफॉल्स बहुत सारे मिलेंगे और ये देखने में बड़े खूबसूरत हैं और बड़ा मज़ेदार किस्म का इधर माहौल होता है। अभी हम पहुंच गए हैं जी बटाकुंडी और ये होटल्स वगैरह इधर काफ़ी बने हुए हैं। तो ये अच्छी जगह है वैसे ना, अगर आपने नाइट स्टे करना है तो। वैसे हम तो नारायण में रुके थे क्योंकि थके बहुत हुए थे, लेकिन ये है कि ये भी इधर स्टे करने के लिए अच्छी जगह है। आराम से तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है ये वाली जगह। स्नो फॉल जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, ये वाइट वाइट जो नज़र आ रही है ग्रीन में, ये स्नो फॉल ही हुई है, बर्फ़ पिघल रही है। एक और बड़ा सा वाटरफॉल इधर से गुजर रहा है और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंडी और गाड़ियाँ भी धो रहे हैं। इन्होंने पाइप शाइप लगाए होते हैं, पता नहीं किस तरह सिस्टम किया होता है, और ज़बरदस्त किस्म की ये देखें फुल स्पीड स्पीड पानी आ रहा है। तो इधर हमने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाए, फिर जाते हैं वो वीडियो शीडियो बना लेते हैं।
इस जगह का बस सुकून चेक करें। ओ हो हो हो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी लुलू सर लेक पे। इधर आगे कुछ बादल शादल से आ गए हैं, मौसम बेहतर हो गया। इधर पीछे तो बड़ी कड़ाकेदार धूप थी, इधर थोड़े से बादल वगैरह हैं, मौसम खुशगवार है। थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो रुका जा सकता है, लेकिन सफ़र लंबा हो तो फिर 5 मिनट की ब्रेक ही काफ़ी है। और यहाँ हम लुलू सर लेक को अलविदा कहते हुए आखिरी सलाम पेश करते हुए आगे निकल रहे हैं यहाँ से बाबूसर टॉप की तरफ। और आगे बादलों का हाल देखें, क्या ज़बरदस्त किस्म की गहराई छाई हुई है। वाह वाह वाह। इधर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम बादलों की तरफ जा रहे हैं, ये सड़क सीधी जो है वो जन्नत में ले जाएगी। वाह ज़बरदस्त किस्म का यार ये माहौल, चेक करें क्या लैंडस्केप है, क्या नज़ारे हैं। ओए होए होए, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, जैसे ये झरना है और ऊपर से बादल बिल्कुल आपके पास आए हों, क्या ज़बरदस्त माहौल बन जाता है। ये देखें सीधी सड़क बादलों में जा रही है, आए नज़ारे फुल इंजॉय। रोड भी आ गई अल्लाह दे हुक्म ना, बहुत गंदी है सड़क। हाँ गोली देनी जिग करो। दास मेटोज टूवर्ड्स बाबूसर टॉप, 8 किलोमीटर इधर से रह गए। बारिश भी जो है बड़ी ज़बरदस्त है। ओए होए इधर माहौल पूरा बने होना है। देखिए 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 निशाई की करंडिया है। वैसे शॉर्ट टूर करना हो ना तो नारान से बेस्ट जगह कोई नहीं है यार, बाबूसर टॉप की तरफ आ जाएं। इधर उधर झीलें हैं, झरने हैं और ये दरिया गुजर है, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। वाह। तो वाह तो वाह तो वाह, इन्हें मारना वो देखे सुजुकी तो बचो, इन्हें पीछे नु कोई पता नहीं कि वे रेड पाना। और यार ये है वो पॉइंट जहां आप बाबूसर टॉप के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट का रास्ता है और इधर से सारे आपके पहाड़ नीचे आ जाते हैं और बादलों के बिल्कुल पास। पहले वो वॉशरूम देखो, बाबूसर टॉप आके ये काम भी ज़रूरी है भैया। यहां तक पहुंचते पहुंचते ठंड भी हो जाती है और जो 3-4 घंटे का पानी पिया होता है वो भी निकालना होता है। हल्की हल्की बारिश हो रही है इधर बाबूसर टॉप पे, बल्कि तेज़ ही हो गई है। आजो 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 आजो, तेज़ हो गई बारिश, बर्फ़बारी, ये तो बर्फ़बारी है। ओहो हो 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 हो, वाह 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 वाह। बर्फबारी, बारिश के साथ बर्फ के भी जो है वो
कतरे हैं, जबरदस्त है माहौल।